लेकिन राम का जीवन हम गहराई से देखें तो सामान्य मनुष्य जैसा ही जीवन उनका है। उनके सारे जीवन में हमको एक मनुष्य दिखता है, एक सामान्य मानव सा दिखता है, लेकिन वो महामानव के रूप में प्रकट होते हैं। हम देखते हैं वे सामान्य मनुष्य की तरह हंसते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह प्रसन्न होते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह उनको क्षणिक क्रोध भी आता है, सामान्य मनुष्य की तरह रोने भी लगते हैं। भगवान राम चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान कृष्ण की तरह वे विराट रूप नहीं दिखाते, भगवान राम बड़े विद्वानों की तरह बड़े भारी प्रवचन भी कहीं नहीं करते, लेकिन बड़े सरलता से अपनी कुछ बातों को सामने रख देते हैं। कभी शबरी के सामने कुछ बात रखते हैं, तो कभी कुछ बात भरत के सामने रखते हैं, कभी किसी प्रसंग पर विभीषण के सामने कुछ बातों को रखते हैं, लेकिन ऐसे सहजता से सरलता से भगवान राम हमारे सामने कुछ विषयों को प्रस्तुत करते चलते हैं। हम देखते हैं भगवान राम का जीवन कैसा एक विचित्र जीवन है। सभी लोगों के जीवन में अच्छे और बुरे प्रसंग आते हैं, अनेक बार कठिन परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, लेकिन राम का जीवन ऐसा है जो विचलित नहीं होता। राम का मन धैर्यवान मन है, राम अधीर नहीं होते, कितनी भी बड़ी परिस्थिति में वे अवसादग्रस्त नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि राम का जीवन कैसा है। उनके पिता दशरथ उनको बुला करके कहते हैं, भाई तुम्हारा कल राज्याभिषेक करेंगे। राम आनंद में और मगन नहीं हो जाते, राम वैसे ही शांत रहते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का महाराजा बन जाना ये तो आनंद की बात है, लेकिन राम अत्यंत आनंदित नहीं होते। लेकिन अगले ही दिन जब राम को ये बताया गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, तो राम दुखी नहीं होते, अवसाद में नहीं चले जाते। कैसा एक विचित्र जीवन है उनका। अब दूसरा उदाहरण देखिए तो ध्यान में आएगा, राजा दशरथ है, वे चक्रवर्ती सम्राट है, राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को लेकर वे प्रसन्न हैं, उनको आनंद है कि उनका बड़ा बेटा कल और इस अयोध्या का सम्राट बन जाएगा। लेकिन परिस्थिति उलट जाती है, कई दो वरदान मांग लेती है, 14 वर्ष का वनवास राम को दिया जाए ऐसा सुनकर दशरथ जो है वो परेशान हो जाते हैं। दशरथ अवसाद में चले गए, दशरथ गिर पड़े, फिर उठ नहीं सके, इसको कहते हैं एक डीप डिप्रेशन में चले गए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं करते, खाना पीना भी दशरथ का बंद हो गया। पुत्र को 14 वर्ष का वनवास, इस समाचार से ही दशरथ उठ नहीं सके, आज की भाषा में कहा जाए तो एकदम एक सुसाइडल एक टेंडेंसी बन गई मन के अंदर। और धीरे धीरे हम देखते हैं दशरथ कुछ दिन के अंदर ही प्राण छोड़ देते हैं। तो दशरथ का एक स्वभाव है, वे एक ऐसे झटके को नहीं सहन कर पाए, वो ऐसी घटना को सहन करने के लिए अपना मानस नहीं बना सके। दूसरे राम का मन है, राम को भी यही समाचार मिला है, ये तो उनको स्वयं जाना है, अभी कुछ दिनों पूर्व उनका विवाह हुआ है और कल सायंकाल उनको राज्याभिषेक का समाचार मिला है। राम राज्याभिषेक और 14 वर्ष का वनवास, इन दोनों ही समाचारों में वो स्थित प्रज्ञ है। राज्याभिषेक के समाचार से वे आनंदातिरेक नहीं पाते और वनवास का समाचार सुन करके वे और अवसादग्रस्त नहीं होते। और ऐसे किसी भी कठिन परिस्थिति में राम जो है सामान्य रहते हैं, राम जो है वो शोक में नहीं डूब जाते। और इसलिए वाल्मीकि जी ने लिखा है, न प्रविविशेष शोकम, न प्रविविशेष शोकम, मैं शोक, राम शोक में नहीं जाता, न प्रविवेश
शोकम, मैं शोक में नहीं जाता। समाचार अच्छा मिला, समाचार खराब मिला। आजकल हम देखते हैं थोड़ा सा भी कठोर समाचार मिल जाता है, मन को प्रसन्न न करने वाला समाचार मिल जाता है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। राम प्रसन्नता के साथ मुस्कराते हुए हर विपदा में शांत रहते हैं। ये हमको सिखाते हैं कि कभी भी भीषण विपत्ति आ सकती है, इस भीषण विपत्ति में भी अपने को अशांत नहीं होना है। विपत्तियां राम की तो बढ़ती ही जाती है, एक के बाद एक नई विपत्ति आती है। राम चित्रकूट में गए हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही भरत आ जाते हैं। भरत माताओं को लेकर के आए हैं। अब देखिए राम के सामने कैसा बड़ा संकट खड़ा हो गया कि भरत है वो बार बार चरण पकड़ करके कहते हैं मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, राम मैं राज्य नहीं लूंगा। तीनों माताएं बोलती हैं बेटा घर वापस चलो। जिन्होंने ये वर मांगा था वो कहके भी राम के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती है, बेटा वापस चलो, क्षमा मांगती है। गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं वापस चलो। राम के सामने कितना बड़ा धर्म संकट है, उनके कुल के गुरु खड़े हैं, तीनों माताएं खड़ी हैं, भरत जिसको राज्य मिला वो खड़ा है, चलने का आग्रह करते हैं। इस समय राम के सामने बड़ा प्रश्न है, बड़ा संकट है कि गुरु माता भाई सबकी बात माने कि न माने। मानते हैं तो पिता को जो वचन दिया है उससे अलग हट जाते हैं। लेकिन राम के धैर्य की परीक्षा है, राम विचलित नहीं होते। सीता का हरण होता है बड़ी परीक्षा है, राम विचलित नहीं होते। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते, राम विचलित नहीं होते। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, राम विचलित नहीं होते। ऐसे समय में व्यक्ति जो अपने को शांत रखता है किसी भी प्रकार के और कठिन से कठिन समाचार आने पर, प्रसंग आने पर हिम्मत के साथ उनका सामना करता है, उसका नाम है राम। जो विचलित हो जाता है वो राम नहीं है। एक के बाद एक कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जो मन से तैयार है, सिद्ध है, वो सच में राम है। और इसलिए उनके प्रसंग से संपूर्ण जीवन के अनेक उदाहरणों से हमको बात ध्यान में आती है, कठोर से कठोर परिस्थितियां आने पर भी अपने को विचलित नहीं होना, हिम्मत के साथ उसमें से मार्ग निकालना है।